एयरटेल मौका दे रहा है आपको एक सिंगल रेफर का 800 रुपए का पेमेंट अर्न करने का, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। एक सिंगल रेफर पे 800 रुपीस का पेमेंट आप लोग अर्न कर सकते हो एयरटेल के थ्रू, जो कि आपके बैंक अकाउंट में भी आपको मिल जाएगा। ये जो कैंपेन है बिल्कुल ईजी है और इजीली आप इसको फुलफिल कर पाओगे। हर एक रेफर के लिए यहाँ पर 800 रुपीस का जो पेमेंट है वो आपको मिल जाने वाला है। आप चाहे यहाँ पे जितने मर्जी उतने रेफर करो, जितने ज़्यादा रेफर करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ से आपको जो पेमेंट है वो मिलने वाला है, और ये पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलता है। कोई भी वाउचर वगैरह या डिस्काउंट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता है। सीधा पैसा आपको कैश फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। अब यार कौन सा कैंपेन है, कैसे यहाँ से अर्निंग करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। और साथ में आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप चाहो तो साइन अप करके भी अर्न कर सकते हो। अगर आप सेल्फ अकाउंट क्रिएट करते हो तो भी आपकी अर्निंग होगी। भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, तो लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए। एक अप्लीकेशन की लिंक दी है मैंने आपको, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना है, यानी कि आपको साइन अप करना है। साइन अप कर लेने के बाद में जैसे आप अपना इंटरफेस में आ जाओगे, अप्लीकेशन में एंटर हो जाओगे, ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अर्निंग्स देख लीजिए। यहाँ पर पेड अर्निंग में आप देख रहे हो 60,745 रुपये मैंने यहाँ से अर्न किया है। पेंडिंग अर्निंग में आप देख रहे हो 2,810 रुपये यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि एवरी वेनेसडे यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, यानी कि पेंडिंग अर्निंग से पेड अर्निंग में आ जाता है। वेनेसडे को यहाँ पे पेमेंट होता है, जो कि आपकी अर्निंग होती है पेंडिंग अर्निंग में वो वेनेसडे को आपको मिल जाती है। साथ में आपको 50 रुपये का साइन अप बोनस भी यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे आप अप्लीकेशन को डाउनलोड कर दोगे तो 50 रुपये का साइन अप बोनस भी आपको मिल जाएगा, और जैसे आप एक रेफर यहाँ से कर दोगे तो भाई ये 50 रुपये आपकी उस अर्निंग के साथ में आपको मिल जाएंगे। आप कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट वाली कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको बैंक अकाउंट मिल जाता है, डीमैट अकाउंट मिल जाता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, टेस्ट प्रोजेक्ट, बिजनेस लोन, ये सभी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। इन सभी के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो, रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। साथ में अगर सेल्फ सेल आपको जनरेट करना है, यानी कि सेल्फ अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि डीमैट अकाउंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट चाहिए, लोन चाहिए, तो वो आप सेल्फ ही अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो पेमेंट है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे टेलीकम्युनिकेशन के नाम से ये एक आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलती है, जहाँ पर आपको एयरटेल पोस्टपेड के नाम से एक कैंपेन मिल जाएगा। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पर 800 रुपीस होने वाली है हर एक सिम कार्ड एक्टिवेशन पे। यानी कि एक सिम कार्ड अगर आप यहाँ पे एक्टिवेट करवा देते हो तो यहाँ पर 800 रुपीस एक सिंगल सिम कार्ड से आप लोग जो पेमेंट है वो अर्न करने वाले हो, जो कि बिल्कुल ईजी है और ईजिली आप ये अमाउंट अर्न कर पाओगे। क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉपी लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद में आपकी जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगी, और उस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिम कार्ड के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कॉपी लिंक पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक कर दोगे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये लीड पेज है जो कि आपको फिल करना है। इसके बाद में आप पार्टनर ब्रांड पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपका नेम आपको एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, इसके बाद में सबमिट आपको कर देना है। इसके बाद में ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये तीन स्टेप आपको मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यू कनेक्शन के नाम से, तो यहाँ पर न्यू कनेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। साथ में यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो ऐड करनी है, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो नेम है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ये आप एंटर कर देने के बाद में नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे एड्रेस है वो आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो और आपका जो लोकेशन है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो आपको एंटर कर देना है, ताकि जो भी सिम कार्ड है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर की जा सके। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद में आपको कॉल आएगा एयरटेल की तरफ से। जब आपको कॉल आ जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट है वो शो करना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है इसके लिए मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ। नहीं भाई, आपको यहाँ पे कहना है कि मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत है, मुझे नीड है सिम कार्ड की, और मुझे सिम कार्ड चाहिए और आपको लेना भी है सिम कार्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल ही आपको अटेंड करना है, आपको सिम कार्ड लेना है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट में हम चलते हैं, और यहाँ पर नीचे चल के अगर टेलीकम्युनिकेशन में आप आओगे और यहाँ पर पोस्टपेड आप आओगे कि एयरटेल पोस्टपेड पे, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है फ्लैट रुपीस 800 इज सक्सेसफुल सिम कार्ड एक्टिवेशन। तो जब आपका सिम कार्ड एक्टिवेट होगा उसके बाद में ये पेमेंट आपको मिलेगा।
आपको यहाँ पे सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉल आपको रिसीव करना है वो भी इसका एक पार्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हो, ऑल लीड्स विल बी कॉल वेरीफाइड। तो कॉल वेरीफाइड आपके लीड होनी चाहिए। एयरटेल आपको कॉल करेगा, कॉल में आपको इंटरेस्ट शो करना है और सिम कार्ड आपको लेना है और कुछ डिटेल्स है जो कि आपको पूछ लेनी है, वो आपके हिसाब से आपको थोड़े बहुत सवाल जवाब कर लेने हैं जो भी आप करना चाहो। उसके बाद में आपको जो प्लान है वो पूछने हैं। अब यहाँ पे प्लान आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जो भी सबसे कम अमाउंट का प्लान है वो आप ले सकते हो। 449 का आपको सबसे कम अमाउंट का प्लान मिलेगा, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। वो प्लान अगर आप ले लेते हो तो आपका मंथली जो यहाँ पे बिल है वो बनेगा 449 रुपीज़ का। एक बार बिल दे देने के बाद में आप अपने सिम को डीएक्टिवेट भी करवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, या फिर आप चाहो तो उससे पहले भी करवा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और कैसे कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप 449 वाला जो प्लान है उसको आप ले सकते हो और उसके साथ में आपकी जो सिम कार्ड है उसको आपके एड्रेस पर आप डिलीवर करवा सकते हो। अब अगर ये काम आप कंप्लीट करवा लेते हो, आपके सिम कार्ड आपके एड्रेस पे आपको मिल जाती है, उसको आप एक्टिवेट कर लेते हो, अपने मोबाइल में डालने के बाद में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद में यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा 800 रुपीज़ का। यानी कि भाई 449 रुपये आपने यहाँ पे लगाए लेकिन 800 रुपीज़ आपको यहाँ पे वापस भी मिल गए, यानी कि 350 रुपये का आपका बिल्कुल सीधा सा प्रॉफिट हो गया। बाकी यहाँ पे आप कंप्लीट भी प्रॉफिट कर सकते हो, यानी कि कंप्लीट आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो 800 रुपीज़ का भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं भाई आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ, वो आपको खुद को सोचना होगा कि आप कैसे कर सकते हो। काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा, तो अगर आपको आइडिया लग गया है तो भाई आप अपना प्रॉफिट बनाओ और यहाँ पे 800 रुपीज़ हर एक रेफर का आप यहाँ पे अर्न करो। साथ में आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई अपना यहाँ पे एक दो या तीन ही रेफर कर पाओगे। जितना मर्जी उतना रेफर करो, हर एक उस रेफर के लिए जो भी सक्सेसफुल होगा, जो भी सिम कार्ड एक्टिवेट होगा उसके लिए यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको मिल जाने वाला है। साथ में इतना ही नहीं है भाई, यहाँ पे और भी काफ़ी कैंपेन्स अवेलेबल है। जैसे कि आप देखोगे डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट में भी काफ़ी कैंपेन्स अवेलेबल है। जहाँ पे बात की गई अगर एंजल वन के, तो एंजल वन पे 600 रुपये आपको मिलेंगे। अपस्टॉक्स पे आपको यहाँ पे 1000 रुपये मिलेंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ कि अपस्टॉक्स के इस कैंपेन से आपको 1000 रुपये कैसे मिलते हैं। फोनपे बाद शेयर मार्केट में आपको 1500 रुपये मिलते हैं। ऐसे ही और भी काफ़ी यहाँ पे जो कैंपेन्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो इन सभी में आप काम कर सकते हो, काम करके आप अर्निंग कर सकते हो और कंप्लीट अर्निंग यहाँ पर आपको पेंडिंग अर्निंग में मिल जाएगी, जो कि एवरी वेनेसडे यहाँ पर पेड अर्निंग में आपको आ जाएगी। यानी कि वो अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाती है। अब यार काफ़ी लोग यहाँ पे इशू भी फेस कर रहे हैं मनी ऑन ड्रीम ऐप को लेकर। काफ़ी लोग बोलते हैं कमेंट्स के अंदर ही कि भाई मनी ऑन ड्रीम ऐप फेक है, फर्जी है, यहाँ पे हमारे लीड्स को अप्रूव नहीं किया जा रहा है, लीड को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद में ये वीडियो आपको जरूर से जाके देखनी है। अगर आप मनी ऑन ड्रीम ऐप का यूज़ कर रहे हो, अगर यहाँ पर आपके लीड रिजेक्ट हो रही है तो क्यों रिजेक्ट हो रही है, और अगर रिजेक्ट हो रही है तो क्या आप सोल्यूशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके लीड यहाँ पर रिजेक्ट ना हो, तो वो वीडियो आपको जरूर जाके देखनी है अगर आपको अर्निंग करनी है। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों, वीडियो जरा से पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाना, और भाई चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ऑल पर सेलेक्ट करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आपको डेली मिलती रहेगी जिनसे आप लोग डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो भाई मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। मेटल नाइप प्लानिंग एंड कीप अर्निंग।